गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई हैड टीच दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे आई रिपीट इट एंड आई विल सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर 2, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के भाग। फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के भाग। अ प्लांट इज डिवाइडेड इंटू मेजर पार्ट्स, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। मेनली जो प्लांट होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका शूट सिस्टम एंड सेकेंड आपका होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ प्लांट डैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड अ शूट सिस्टम। जो जमीन के ऊपर का भाग हो जितना होता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट डैट ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, भाग होता है, वो क्या होता है? रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं? फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम। रूट सिस्टम मींस रूट ही उसमें होता है। सेकंड टॉपिक इज द रूट। इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, रूट्स ग्रो डीप इन टू द ग्राउंड, दे ऑल्सो स्प्रेड वाइड अक्रॉस द सॉइल इज सच ऑफ वाटर, दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड फिक्स द पार्ट फ्रेमली इन टू द सॉइल। जमीन के अंदर का भाग जो होता है उसे रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, और वो जो है मिट्टी को अच्छे से पकड़े रहता है, हर उसके पार्टिकल्स को, और वहीं से ही सारा सर्च होके क्या होता है, पूरा प्लांट तक पहुंचता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, फर्स्ट टैप रूट्स एंड सेकंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स, व्हाट इज टैप रूट्स? इट हैज़ वन मेन रूट विच ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इन टू द सॉइल। जो जमीन के अंदर एक ही पार्ट से बिखरे हुए रहते हैं, जो बढ़ते हैं, जिसका बेस एक होता है, उसे टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट मीन्स होता है मुख्य जड़। और सेकेंड होता है आपका फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट मीन्स होता है तंतुमय मूल, जिसके बहुत सारे धागे नुमा संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट, वीट, पैडी, ग्रास, जैसे घास, पैडी मीन्स धान का पौधा होता है, वीट मीन्स गेहूँ। फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड हेल्प द प्लांट्स टू रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल। रूट्स ऑब्जर्व वाटर, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो जड़ होती है वो क्या करता है? मिट्टी को अच्छे से पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, और जमीन के अंदर के जितने भी न्यूट्रिशंस, पानी, मिनरल्स, ये सब होते हैं, पूरे प्लांट्स तक ट्रांसफ़र करता है। और कुछ रूट्स क्या होती हैं? फूड स्टोर करती हैं, एज लाइक बीट रूट, कैरेट, रेडिस। द स्टेम, स्टेम मीन्स होता है तना। द स्टेम फॉर्म्स मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। जो स्टम्प होता है वो शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है। कुछ सम स्टम्स आर सॉफ्ट एंड हार्ड। कुछ स्टम्स होती हैं सॉफ्ट होती हैं, कुछ स्टम्स क्या होती हैं, कुछ पौधों की हार्ड होती हैं। जैसे कि वीक स्टम्प किसको बोलते हैं? ग्रेप वाइन, अंगूर का जो बेल होती है उसका स्टम्प वीक होता है। वाटरमेलन वीक स्टम्प होता है। और हार्ड एंड उडी स्टम्प होता है किसका? मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, सुगर केन, ये सब कैसे हैं? तने हैं जो कि बहुत ही, जैसे कि सनफ्लावर, सनफ्लावर का स्टेम वीक होता है, सुगर केन, और मैंगो का हार्ड होता है। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, इट हैज़ मैनी ब्रांचेस डैट वियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द स्टेम कीप्स द प्लांट्स अपराइट एंड गिव सपोर्ट टू देम। जो स्टम्प होती है
वो क्या करता है, उसमें ही मेन पार्ट होता है सूट सिस्टम का, उसमें लीव्स, पत्तियाँ, बड्स मीन्स कलियाँ, फूल और फल होते हैं, लगे होते हैं, और वो सपोर्ट करता है प्लांट को स्ट्रेट रहने में। कुछ प्लांट, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, एज लाइक सुगर केन, पोटैटो, जिंजर। नेक्स्ट है आपका द लीफ। लीफ मीन्स पत्तियाँ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इज इन कलर, दे आर एक्चुअली फ्लैट, बोर्ड एंड थिन। जो लीव्स होती है वो जो है प्लांट का मेन पार्ट होती है, और ग्रीन पार्ट जो भी होता है वो पत्तियाँ होती हैं, और पत्तियाँ ही पूरे फूड, पूरे प्लांट का मेन वर्क करती हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ अ लीफ, पत्ती को ही फूड फैक्ट्री कहते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, प्लांट का, पौधे का फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, जो फूड का निर्माण करता है, भोजन बनाता है, पत्तियाँ ही बनाती हैं। मिडरिब, मेन वेन जो बीज का पार्ट होता है वो मिडरिब, वेन्स जो ये सिराएं निकली हैं, लेमिना या लीफ ब्लेड, कॉर्नर के जो साइड के पार्ट्स होते हैं उसको लेमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं, अपेट्रियोल लीफ स्ट्रक जो जहाँ से जो स्टेम से या ब्रांच से जो जुड़ी हुई होती है, जो नोड होती है। फंक्शंस ऑफ द लीफ। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें फूड फैक्ट्री बोलते हैं या किचन बोलते हैं प्लांट का, क्योंकि वो फूड मेक करती हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सनलाइट, एयर और वाटर के प्रेजेंस में जो लीव्स होती हैं वो फूड मेक करती हैं, और ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हरी पत्तियां जो होती हैं वो हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आपको एरो तो दिख रहा है, सनलाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया, फिर ऑक्सीजन दिया और नीचे से प्लांट्स में वाटर। तो ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू। फ्लावर्स, मोस्ट प्लांट्स वेयर फ्लावर्स, दे वेरी इन कलर, शेप, साइज एंड स्मेल। जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका रंग रूप सब अलग अलग होता है। द प्लांट रेफ्लेसिया हैज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। जो सबसे बड़ा इस संसार का फूल है उसको क्या बोलते हैं, रेफ्लेसिया बोलते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स, मैनी प्लांट्स वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। बहुत सारे पौधे ऐसे फल हैं जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, जैसे कि आपका वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड बनाना। और कुछ में सम प्लांट्स हैव फ्यू सीड्स, कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिसमें कुछ एक बीज या दो बीज पाए जाते हैं। कुछ पौधों के फ्रूट जो होते हैं, जैसे कि मैंगो, मैंगो में वन बीज होता है, और कुछ में दो तीन होते हैं, जैसे कि ऑरेंज आपका हो गया, और कुछ में बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट मीन्स अनार। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक नए, एक पौधे से जो नए, एक बीज से या किसी पौधे से जो नया पौधा निकलता है, अंकुरण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं।
मेन संक्रमण, देखिए ग्राउंड के नीचे एक छोटा सा बीज था, बीज से थोड़ा सा उसमें जर अंकुरण हुआ, फिर उससे उसमें से जड़ निकली, फिर ग्राउंड के ऊपर धीरे धीरे निकलना निकलना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है एक न्यू प्लांट बॉर्न करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। समरी ऑफ दिस चैप्टर, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। पौधे के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला क्या होता है रूट सिस्टम होता है, सेकंड शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। जो रूट सिस्टम होता है, जड़ वाला भाग होता है, वो जमीन के अंदर वाला भाग होता है। द शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और जो शूट सिस्टम होता है वो जमीन के ऊपर वाले भाग को कहते हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट फैमिली इन टू द सॉयल एंड ऑब्जर्व वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। जो रूट पार्ट होता है वो दृढ़ता पूर्वक क्या करता है, पानी न्यूट्रिशन मतलब जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो जड़ से लेकर के पूरा स्टेम तने तक पहुंचाने का वर्क करता है। द स्टेम कैरीज वाटर फूड एंड मिनरल्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम क्या करता है, तना, वो जड़ से ले पानी फूड और मिनरल्स को पूरे प्लांट के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ एंड प्रिपेयर फूड फॉर देम। जो लीव्स होता है वो ब्रीथिंग के लिए और फूड मेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसी से ही क्या करता है, फूड मेक करता है। लीव्स को प्लांट का क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ सीड इन टू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो एक बीज से नए पौधे का जन्म होता है उसी को जर्मिनेशन बोलते हैं। दिस चैप्टर इज कम्प्लीट। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्व एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट रूट स्टेम। जो जमीन के अंदर का भाग होता है, नीचे का भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, रूट, आर डबल ओ टी, रूट। कैरेट एंड बीन हैव टैप रूट्स। क्यों? क्योंकि वो मुख्य जड़ होती है, एक निकलता है टी ए पी टैप। द सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड स्टेम। प्लांट के ऊपर के भाग जो सपोर्ट करता है प्लांट को, उसे क्या बोलते हैं, स्टेम। द फ्लट एंड बोर्ड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो चपटी और चौड़ी पत्तियां होती हैं किनारे की, उसे क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ सीड इन टू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक छोटे बीज से नए प्लांट का जो जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। वीट, वीट इज फाइब्रस रूट। बालसम मीन्स गुल मेहंदी is a tap root. Mint leaves is a edible part of a plant. Banyan tree, trunk, money plant, weak stem. State whether the following statements are true or false. Roots grow deep into the ground. जो जड़ होती हैं वो ग्राउंड के अंदर बहुत डीप तक ग्रो करती हैं, मतलब बहुत लंबे तक बढ़ती रहती हैं। दिस इज ट्रू। द स्टेम ऑब्जर्व्स वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉयल। जो तना होता है वो जमीन से ही पानी को और जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो मिट्टी से लेता है, वो रूट से लेता है। तो दिस इज फॉल्स, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। जो पौधे होते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दिस इज ट्रू। मोस्ट प्लांट्स वियर फ्लावर्स विच ग्रो इनटू फ्रूट्स। दिस इज ट्रू। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स से फ्रूट बनते हैं, ट्रू। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ बर्ड इनटू अ फ्लावर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
फॉल्स है, रॉन्ग है, क्योंकि बर्ड्स यानी लीव्स से फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण वो कम पूरी होती है। लीव से ही क्या होता है, फूड मेक होता है और ब्रीथिंग होती है। नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द पार्ट डैट ग्रोस बिलो द ग्राउंड, जमीन के अंदर के पार्ट क्या होता है, रूट। द पार्ट डैट ग्रोस अबव द ग्राउंड, शूट, जमीन के ऊपर के भाग को शूट बोलते हैं। द पार्ट डैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड कौन मेक करता है, लीफ पत्ती। द पार्ट डैट बिकम्स अ फ्रूट, सीड। द पार्ट डैट कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट, सीड। मीन्स फ्रूट्स किससे बनता है, बीज से, और जो बेबी प्लांट रहता है वो भी सीड से क्या होता है, निकलता है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के दो मुख्य भाग, रूट एंड शूट। व्हाट इज अ टैप रूट, मुख्य जड़ क्या होती है, उसके वन एग्जांपल आपको राइट करना है। व्हाट इज अ मिड रिब, मिड रिब जो क्या होता है, नेम टू फ्लावर्स डैट वी ईट, टू ऐसे फ्लावर्स के नेम बताने जो हम लोग खाते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। मैं इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सेंड कर दूंगी, लॉन्ग शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी में। नेहा इट्स द सीड ऑफ अ फ्रूट बाय मिस्टेक, हर ब्रदर सैड इट विल ग्रो इनटू अ ट्री इनसाइड हर, डू यू थिंक दिस इज ट्रू, व्हाई नॉट। नेहा थी, उसने गलती से किसी भी फ्रूट का बीज खा ली, अब उसका भाई क्या बोल रहा है कि अब तुम्हारे पेट में क्या होगा, एक प्लांट ग्रो करेगा, ट्री निकलेगा, तो दिस इज राइट और रॉन्ग, ये सही है, नो। अब आप सोचिए क्यों नहीं सही है। लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे जो है पिक्चर्स दी हुई, आपको ये करेक्ट ऑर्डर में फिल करना है। इट्स योर होमवर्क, फर्स्ट क्या होता है, अ सीड इज प्लांटेड नंबर वन, आफ्टर दैट अ टीनी रूट बिगेन टू ग्रो नंबर टू, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट बीव्स अबव द ग्राउंड नंबर थ्री, एंड द रूट्स स्टार्ट ग्रोइंग लॉन्गर इन टू द सॉयल नंबर फोर, द फर्स्ट टू लीव्स ऑफ द प्लांट ग्रो नंबर फाइव, देन अ ब्यूटिफुल फ्लावर ब्लूम्स नंबर सिक्स। प्रोजेक्ट वर्क, ड्रॉ अ प्लांट ऑन अ चार्ट पेपर एंड बिलीव लेबल इट्स पार्ट्स, डिस्प्ले द चार्ट इन योर क्लासरूम एंड स्पीक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। आपको एक लीफ सेम एज ये जो लीफ है, आपको ऐसे ही लेके उसके नेम मेंशन करना है कॉपी में, फिल पेस्ट करना है लीफ, और उसके जो पार्ट्स हैं उसके नेम क्या हैं, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में मेंशन करना है, साइंस कॉपी में। आपको कोई चार्ट पेपर पे या कहीं और नहीं लगाना है, साइंस की कॉपी में ही पेस्ट कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पजल, सॉल्व द क्रॉस वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्यूब गिवन बिलो। ये अक्रॉस इसको इधर से है ये, और डाउन नीचे की ओर, लुक एट दिस अक्रॉस डाउन। इट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट डैट सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड, आंसर इज अक्रॉस में करना है आपको, स्टेम जो जमीन के ऊपर का भाग रहता है जो प्लांट को सपोर्ट करता है, तो आप कैसे फिल करेंगे यहाँ पे, एस टी ई एम स्टेम, अक्रॉस हो गया आपका। नेक्स्ट है सुगर इज़
मेड फ्रॉम द स्टम्प ऑफ दिस प्लांट? आंसर इज सुगर केन. नंबर फोर सुगर केन. S U G A R C A N E, sugar cane. Fifth number आपका, it is the beautiful part of a plant is flower. F L O W E R, flower. Next, it is the part that prepares food for the plant. This is leaf. Plant के लिए food में कौन करता है? Leaf, L E A F, leaf. Seven number, it is the underground part of the plant that holds the plant's firmly. This is root, R double O T, root. It produces a new plant when planted. Answer is seed. New plant कैसे बनता है seed? Number one, S double E D, seed. It has one main root which grows from the base of a stem. Answer is tap root. Tap root number 2. T A P tap, R double O T, tap root. This plant creeps on the ground and its fruit has many seeds in it. जो जमीन पर रहने वाला पौधा होता है जिसमें बहुत सारी सीड्स होती है. आंसर इज वाटर मेलन. नंबर थ्री, ये W A T E R, वाटर. M E L O N, वाटर मेलन. आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा. आपको क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब कंप्लीट करना है और जो आपको ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है लीव्स के साथ जैसे कि मैंने अभी दिखाया और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पार्ट भी आपको ड्रॉ करना है कॉपी में. आप लोग कंप्लीट करके पूरा टाइमली वर्क सेंड कर दीजिएगा. ओके.